गाजियाबाद से है पूजा, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार मैम, मेरे 3 सवाल हैं। बोलिए मैम। एक तो मुझे नजला ज्यादा रहता है और उसकी वजह से ना मेरे सिर में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक मतलब में, और नाक में मुझे ऐसे लगता है मतलब जैसे खुजली सी होती है, हल्की सी भी सर लगते ही, बहुत रात में भी और दिन में भी, और सर में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मतलब ऐसा लगता है सर में जैसे चोट लगने के बाद दुखता है ना सर, तो इस तरह से दुखता है मेरा सर, ठीक है। कभी कहीं से, और वैसे मैं हाथ लगा के भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा दुख रहा हो, जबकि कभी ऐसे कोई चोट वगैरह भी नहीं लगी मुझे। ठीक है, आपका दूसरा सवाल। अगर मैं लेट जाती हूँ तो मेरी नाक बंद हो जाती है, और जब भी मतलब रात में तो मुझे ड्रॉप डालना पड़ता है, और उठने के बाद फिर नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, और मैं ज्यादा सिर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सिर में भी हल्की हल्की सी मतलब लेटने के बाद भी ऐसे लगता है जैसे नसें वो होती है ना, चुभन होती है आपको? हाँ चुभन होती है बहुत ज्यादा। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 32 साल। ठीक है। अच्छा बेटा देखो, मेरी बात गौर से सुनो। जिन लोगों को भी नज़ला या नाक से पानी छींके आती हैं, बलगम बनता है, कफ बनता है, तो उन्हें डॉक्टर या वो खुद भी मरीज क्या करते हैं कि एंटी एलर्जी गोली ले लेते हैं, और डॉक्टर भी खुराक देता है तो उसमें वो मिली भी ज़रूर होती है। एंटी एलर्जी गोलियां किसे कहते हैं? एविल टाइप की गोलियां या सिट्राजीन, ऐसी कई गोलियां आती हैं। ये आती तो 2-5 पैसे की हैं, लेकिन ख़तरनाक हैं। नज़ले को वहीं सुखा देते हैं, आपको अच्छा लगता है। मैं भी कभी कभी लेता हूँ, कभी ऐसा नाक बहने लगे मेरी, छींके आने लगे, तो मुझे अगर प्रोग्राम करना हो और एक घंटे में कैसे फ़ायदा करूँ, तो मैं वो गोली खाकर प्रोग्राम करने आ जाता हूँ। वो एकदम सबको सुखा देता है नज़ले को। आप भी वो ज़रूर लेते हैं किसी ना किसी रूप में, लेकिन इसको लेने के बाद कफ निकालने की दवाएं लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके जो हमारा कफ है, बलगम है, वो हमारे आँख की नसों में, नाक की नसों में और दिमाग की नसों में, कान की नसों में जम जाता है। उसको निकालने के लिए ज़रूर दवाएं लें, एक तो ये ज़रूरी है। आपका डॉक्टर की दवाएं लें, जो आपके डॉक्टर हैं उन्हीं को बताएं कि नज़ला जम जाता है मेरे। जब भी अगर आपको एंटी एलर्जी खुराक लेनी पड़े, उसके बाद आपको 10-15 दिन में ये तकलीफ़ होने शुरू हो जाती है, ये उसकी निशानी है। फिर वो कफ निकलेगा और पीला पीला या ऐसा हरा हरा सा बलगम निकलता है, जितना वो निकलता है इतना फ़ायदा होता है। ये तो रही आपके और आपके डॉक्टर का इलाज। अब ये मर्ज हमेशा के लिए चला जाए हमसे, ऐसे नुस्खे हैं, इस बात पर आप गौर करें और फिर मैं नुस्खा बताता हूँ। सपिस्तान, उन्नाव, अलसी, ये 3 चीज़ें खरीदें 100-100 ग्राम। सपिस्तान, उन्नाव, अलसी, ये 100-100 ग्राम खरीद लें। और उन्नाव का गुठली होती है, बेर की तरह होता है, उसको बाहर करके और रखें। और आपके किचन में पीपलें होती हैं, पीपलें, पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, ये पीपलें लीजिए 30 ग्राम, बाकी चीज़ें 300 ग्राम, 100-100 ग्राम। इनका पाउडर बना के सुबह खाली पेट 1 चम्मच गर्म पानी से लें, और 1 चम्मच रात को सोते समय गर्म पानी से। खट्टी चीज़ें आपको टोटल बंद करनी होंगी। अगर आप 5 महीने 6 महीने ये इलाज करते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी।